हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको एमपीएल गो राइट गेम का टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से 2 लाख प्लस स्कोर कर सकते हैं और टॉप रैंक ला सकते हैं। मतलब आप टॉप 5 रैंक के अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए ऐसे एमपीएल गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेकर आते रहता हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हम अपना यहां पर गेम ओपन कर लेते हैं, और गेम ओपन करने के बाद हम यहां पर 15 टोकन लगाकर खेलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 15 टोकन है अभी, तो हम यहाँ पर 15 टोकन लगाते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से हाई स्कोर कर सकते हैं, लंबा स्कोर कर सकते हैं, बिना आउट हुए, बिना किसी भी हैकिंग या मोड के। तो सबसे पहला तो टिप्स यह है कि आपको हमेशा राइट साइड में ही चलना है, आपको कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं जाना है भूल के भी, आपको हमेशा राइट साइड में ही चलना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी चला रहा हूँ राइट साइड में, तो ये हो गया पहला टिप्स। और दूसरा टिप्स यह है कि आपको हमेशा ब्रेक पर 1-1 सेकेंड पर उंगली को रखते रहना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी रख रहा हूँ उंगली, आप देख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड पर मैं यहाँ पर उंगली रख रहा हूँ ब्रेक, मतलब हर सेकेंड ब्रेक में लगाते रहता हूँ 1-1 सेकेंड बाद। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो स्पीड है वो कभी भी 100 प्लस नहीं होगा, हमेशा 100 के आसपास ही रहेगा और 100 और 90 के बीच में ही रहेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने स्पीड को 100 के नीचे और 90 के ऊपर ही, मतलब 100 और 90 के बीच में ही रखना है, और इस तरह से आपको खेलते रहना है। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। और तीसरा टिप्स यह है कि आपको इस वाइट वाले जो लाइन दिख रहा है, उसी लाइन पर आपको स्ट्रेट लाइन पर चलाना है, आपको उससे थोड़ा भी लेफ्ट या राइट नहीं होना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके साइड से जो गाड़ी आएगी उससे आप आसानी से बच सकते हैं और आसानी से उससे आगे निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप इन 3 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि आप मेरा 35,000 स्कोर हो चुका है। तो आप आसानी से लंबा स्कोर कर सकते हैं बिना भी किसी हैक ट्रिक या बिना किसी मोड के। अगर आप किसी हैक ट्रिक को यूज करते हैं तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या किसी मोड को यूज करते हैं तो आपको उससे कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा ज़िंदगी में। आप हमेशा उससे आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि उससे तो आपका एक वेरीफाई अकाउंट जो KYC कंप्लीट है वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका नंबर भी एक ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, और आपने जितने पैसे को जीते हैं आपका वो पैसा भी उसके साथ साथ चला जाता है। इसीलिए आप कभी भी मोड ऐप के पीछे ना भागे, कभी भी हैक ट्रिक के पीछे ना भागे, आपको हमेशा रियल टिप्स और ट्रिक को अपनाना चाहिए। इसी से आप आसानी से मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एकदम रियल ट्रिक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। तो आपको यही 2-3 टिप्स को अपनाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला तो आपको राइट साइड में चलना है, दूसरा आपको हमेशा ब्रेक पे हाथ रखना है हर 1 सेकेंड पे, और तीसरा आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना है। तो यही 3 टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप कभी भी इसमें आउट नहीं होने वाले हैं और आसानी से आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोर मेरा, तो कभी कभी अचानक से 2 बाइक आ जाते हैं, मतलब 2 गाड़ी आ जाते हैं रास्ते में, जो कभी आपको रास्ता नहीं देते हैं आगे जाने के लिए, तो उस समय आपको उसके पीछे ही रहना होगा। तो वह गाड़ी आएगा तो मैं आपको बताऊं कि उस समय आपको क्या करना है। ऐसा होता है कि दो गाड़ी आ जाएगा और आप आगे नहीं निकल पाएंगे, तो आपको उसके पीछे ही रहना है, और कब निकलना है यही बताने वाला हूँ। तो बस पूरा देखें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए ऐसे गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोज लेकर आते रहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा स्कोर 1 लाख प्लस हो चुका है, मतलब 1.5 लाख के आसपास हो चुका है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको जहां भी गाड़ी आएगा वहां पे आपको ब्रेक मार लेना है, और आपको 50 के आसपास आ जाना है, और वहाँ से आपको आसानी से उसके आगे निकल जाना है। अगर आप स्पीड में निकलने की कोशिश करेंगे तो आप गाड़ी से टकरा जाएंगे और आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 लाख स्कोर होने वाला है। तो आपको इसी तरह रहना है, इसी 2-3 टिप्स को फॉलो करते रहना है, और रियल टिप्स को ही फॉलो करें हमेशा, मैं यही कहूँगा। और आपको कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं जाना है, आपको हमेशा राइट साइड में रहना है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी जो देख रहे हैं वो सब लेफ्ट साइड से आते हैं, तो उधर से आप ज़्यादा जल्दी से आउट हो जाएंगे। उधर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा उस साइड में आपको गाड़ी मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 गाड़ी आ चुका है, जैसे कि मैंने बताया था। तो इस पोजीशन पे आपको क्या करना होगा, इस पोजीशन पे आपको इसी के पीछे ब्रेक मार के रहना होगा, और देख रहे हैं कि साइड से बहुत सारे गाड़ी आ रहे हैं। तो आपको पहले देखना होगा कि जब गाड़ी सब खत्म हो जाए तब आपको साइड से निकल जाना है, क्योंकि यह गाड़ी आगे से नहीं हटने वाला है, या आपका रास्ता ऐसे ही रोक कर रखेगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसके पीछे पीछे चलना है धीरे धीरे, और साइड से जो गाड़ी आते हैं उन सभी को देखना है कि अगर गाड़ी ख़त्म हो गया उस रास्ते पे तो आपको उस उधर से उस रास्ते से आसानी से निकल जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे निकलने वाला हूँ, आप देख कर सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितने तेज़ी से आ रहे हैं उस साइड से उस रास्ते से, तो आपको बस वहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि गाड़ी आ रहा है या नहीं। देख रहे हैं अभी भी गाड़ी आ रही है बहुत सारी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी अब नहीं है, इसी तरह से आपको निकल जाना है आसानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्कोर अब 2 लाख के आसपास होने वाला है और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसीलिए अब मैं गेम को ओवर कर दूँगा। आप देख सकते हैं, तो आप आसानी से इन 3 टिप्स को फॉलो करके आसानी से 2 लाख स्कोर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर गेम को ओवर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 19 रैंक आया है और मैं 5 रुपये जीत रहा हूँ क्योंकि अब 15 टोकन का था। तो इस तरीके से आप इस टिप्स को फॉलो करके आसानी से रैंक 1 ला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेकर आते रहता हूँ।